तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉट टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आजकल के बढ़ते ट्रेंड को लेकर, कुछ भी ट्रेंडिंग हो जाता है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, एवरीथिंग, चाहे वो आपका डांस हो या किसी तरह का आर्ट हो या फिर सिंगिंग, मॉडलिंग, कुछ भी हो, अगर आपके अंदर यूनिक है कुछ या फिर वो कुछ यूनिक दिखता है या कुछ है यूनिक, तो उसको ट्रेंड बनने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। ऐसे ही एक एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त बॉलीवुड का हर इंसान, बॉलीवुड का हो या फिर जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अच्छे ट्रेंड करने वाले लोग हैं, हर बंदा उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम है FaceApp। ये ऐप एक ऐसा ऐप है दोस्तों जो कि बड़ा मज़ा दिलाता है और एक्चुअली ये दिखाता है कि अगर आप इस एज में हो और आपका जो फेस कटिंग है वो मान लो जैसे मेरे जैसा है, तो आने वाले 50 साल बाद कैसा होगा, यानी कि आने वाले 50 या 60 साल में जब आप दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट या रियलिटी की तरह ये दिखाता है। तो आज इस ऐप के बारे में जानेंगे हम और इसको यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। थंबनेल आपने देख लिया है, जैसे कि ये मिलन गाबा है, यानी कि म्यूज़िक MG, और इसके अलावा बहुत सारे फोटोज़ ऐसे हैं जो लोगों ने बनाई है, जैसे सलमान खान, एडी नागर और इसके अलावा जितने भी सुपर स्टार्स हैं, उन लोगों ने सबके साथ ये इस एप्लीकेशन के साथ बना के लोगों के साथ टैग किया है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू करेंगे दोस्तों। रिव्यू करने से पहले मैं चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कैसे होता है मैं आपको बता दूँ, इधर एक लाल डब्बा बना हुआ है, उसको जैसे ही आप दबाएंगे निकल जाएगा घंटा, उस घंटे को भी आपने तुरंत से दबा देना है फटाफट, वरना वो भाग जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐप का नाम है FaceApp, जैसे कि यहाँ पर आप आइकन देख पा रहे होंगे, ये FaceApp है और इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको नहीं मिले, अगर आप सर्च करना चाहते हैं डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको ओपन करा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से भी खुल के आ जाएगा ये। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे वो फोटोज़ हैं जो मेरे को दिखा रहा है कि आप अगर इसको भी रिसेंटली बनाना चाहते हैं तो ये इसको बना सकते हैं, बट यहाँ पर गैलरी है, फेसबुक से अगर आप चाहते हो तो फेसबुक से ले लो, क्लैप से यहाँ पर है तो आपने वो भी ले लेना, डायरेक्ट कैमरे से आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर कैमरा भी बना हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पर सीधे ओपन कर लेते हैं अपनी गैलरी को। तो यहाँ पर गैलरी ओपन करने के बाद ऑल मीडिया है, ऑल मीडिया के बाद यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो कि आपके कैमरे में है, फेस में है, आपने स्क्रीन शॉट ले रखे हैं या जो भी हैं एवरीथिंग, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे मैं अपने क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक फोटोज है मेरे फ्रेंड का, मैं अपने आप को तो नहीं लेकिन उसको बनाना चाहूँगा ऐसा। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा ये बता रहा है कि यू आर ऑफलाइन, तो आपके लिए इसके सबसे पहले इंटरनेट का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वापस गैलरी पे एक बार आ जाता हूँ और मीडिया पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आ जाता हूँ मैं सीधा उसी फ़ोटोज़ के पास। तो ये ले लिया है, देखिए मैंने यहाँ पर फ़ोटो मैंने ले लिया है और फ़ोटो लेने के बाद वो फ़ोटो ओपन भी हो चुका है। तो ये रहा वो फ़ोटो। अभी देखिए इसमें करना क्या है कि अभी इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, स्माइल है, इम्प्रेशन है, एज है, बियर्ड्स है, हेयर कलर है, इसके बाद हेयर स्टाइल है, ग्लासेस हैं, मेकअप है, फिल्टर्स है, लेंस है, बैकग्राउंड है, ओवरली है इसमें। उसके बाद देखिए टैटूज़ आप लगा सकते हैं इसमें, वेजेंटी लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे फ्यूचर हैं। फ़नी के अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ फ़नी कैरेक्टर्स, यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ये फ़नी होने वाला। तो ये देखिए ये भाई हो चुके हैं, हमारे बुढ़ापे में आ चुके हैं, फ़नी हो चुके हैं। तो ये देखिए फ़नी वाले कैरेक्टर हैं। उसके बाद यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो स्टाइल, अगर यहाँ पर बात करी जाए तो कुछ कूल स्टाइल की, तो देखिए पहले क्या स्टाइल था और उसके बाद कैसा हो गया, ये भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वापस आके एक बार देख लेते हैं टाइम ट्रेवल के साथ क्या होता है इसके साथ। तो देखिए पहले कल ऐसे थे, आज ऐसे हैं और आने वाले कल में ये ऐसे होंगे। तो इस तरह से ये जितने भी फ़नी चीज़ें हैं टोटली आपको यहाँ पर दिखाएगा। बट यहाँ पर क्या करते हैं, वापस एडिटर पर आ जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे बियर्ड्स वगैरह सब अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बियर्ड्स लगा सकता हूँ। तो देखिए ये दाढ़ी वाड़ी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो देखिए बढ़ गई, पहले कैसे थी, पहले ये थी ओरिजिनल और लगाने के बाद ये ऐसी हो गई। तो थोड़ा सा लुक आ गया, अब लुक आ गया तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई के बाद एज पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए एज यहाँ पे है एक यंग, तो ये थोड़ा सा यंग हो जाएगा। तो ये पहला यानी कि और ज़्यादा यंग है। तो अभी ये जो है ये भाई साहब अभी ओरिजिनल पे आ जाते हैं। तो देखिए अगर अभी ये 25 साल के हैं तो यंग 2 पर क्लिक करने के बाद ये 19 साल के लगने लगेंगे। उसके बाद एक यंग और है, उसको अगर हम करने लगेंगे तो हो सकता है ये और भी ज़्यादा यंग होगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे ओल्ड का एक ऑप्शन है, जैसे ही मैं ओल्ड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए भाई साहब, ओ माई गॉड, ये क्या हुआ, ये तो कमाल ही हो गया। तो भाई वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई होने के बाद देखिए बियर्ड्स हो गए, हेयर कलर, अगर हम यहाँ पर कलर की बात करें तो लोगों को ब्लैक कलर कैसा लगता है, ओफो, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये कुछ ज़्यादा ब्लैक हो गया, ओरिजिनल रख लेना है क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, अगर कैंसिल कर देते हैं। चलो हम इसको, हमारे पास ग्लास है, हमें ग्लास लगाने की ज़रूरत नहीं। फ़िल्टर्स कुछ हैं तो हम यहाँ पे फ़िल्टर जैसे कि ये है, यहाँ हम फ़िल्टर्स लगा सकते हैं।
बुढ़ापे वाले फ़िल्टर्स हैं। चलो ये ज़्यादा अच्छी है, तो खैर हमारा ओरिजिनल ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा। यहाँ पे हम कुछ टैटूज़ हैं अगर हमारे पास लगाने के लिए, तो हम टैटू यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि टैटू आपने, ओ माय गॉड, ये अच्छा, ये यहाँ पे टैटू आएगा ये। ओके, तो ये कम बढ़ती आप यहाँ कर सकते हो, लेकिन टैटू को अगर हटाना चाहें तो हम, अच्छा यहाँ पे हट नहीं रहा है। अगर आपको टैटू हटाना है तो मैं ओरिजिनल पे क्लिक कर देता हूँ सीधा, क्योंकि मुझे कुछ टैटूज़ नहीं यहाँ पे चाहिए, तो कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे। तो स्माइल के साथ अगर यहाँ देखिए, तो थोड़ा बहुत स्माइल भी यहाँ पे करवा सकता हूँ मैं, ऑलमोस्ट ये देखिए हो गई स्माइल, नॉर्मल की नॉर्मल हो गई, स्माइल के साथ ये स्माइल बढ़ गया। वाह, बहुत अच्छी एप्लीकेशन लगी भाई, रिव्यू करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इसको अप्लाई कर देते हैं। चलिए, अप्लाई करने के बाद देखिए हेयर का कलर यहाँ पे देख लिया, हेयर स्टाइल, स्टाइल की जहाँ बात आती है तो थोड़ा सा खड़े करना चाहूँगा मैं स्टाइल को, नीचे दिखा देते हैं। ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्टाइल बेकार हो गया। तो इसके बाद देख लेते हैं, चलो और क्या है इसमें स्टाइल। ये सारे प्रो हैं, प्रो के लिए आपको इसमें गोप्रो पे जाना पड़ेगा, जो कुछ परचेज भी हो सकता है। तो वापस आ जाते हैं, मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हेयर स्टाइल मेकअप वगैरह सब उसमें है। तो इसको अब सीधे कर लेते हैं हम लोग सेव। तो सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर ऊपर एक क्लिक कर रहा होगा, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हो चुका है ऑलमोस्ट आपका सेव। सेव होने के बाद आप सीधा गैलरी में जाके, मैं इसको दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये मेरा पहला ओरिजिनल है, ओरिजिनल होने के बाद यहाँ पे फेस ऐप में आने के बाद ये हो चुका है ऐसा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये हमें बताइएगा, और फेस ऐप वाकई बड़ा अच्छा है, तो आप अपने बुढ़ापे को देख सकते हैं आज के टाइम में। तो दोस्तों वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ कमी है या फिर कुछ और इसमें एडिशनली यूज़ हो सकता था ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। दोस्तों वीडियो आज की कैसी लगी साथ ही ये बता देना। आज के लिए बस इतना ही, बाय।